केएल राहुल की विस्फोटक बल्लेबाजी की तारीफ करते नजर आए वीवीएस लक्ष्मण। भारतीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के बीच खेली जा रही एक दिवसीय सीरीज में दोनों टीमों ने एक एक मैच जीतकर सीरीज को एक एक के स्कोर पर हित। अब सीरीज का निर्णायक मुकाबला बेंगलोर के चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, मगर इस सीरीज में सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने अपने बल्ले की धाक जमाते हुए हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। केएल राहुल ने खेली वनडे करियर की विस्फोटक पारी। पहले वनडे मैच में टीम इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आए राहुल ने 52 गेंदों पर 80 रन की तूफानी पारी खेली। केएल राहुल ने नंबर 5 पर बल्लेबाजी प्रदर्शन को लेकर वीवीएस लक्ष्मण ने टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम में लिखा, पिछले महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ सफल पारियां खेलने के बाद सलामी बल्लेबाज के रूप में राहुल को आगे ले जाना आसान नहीं था और केएल को मानसिक रूप से लंबे समय तक सलामी बल्लेबाज के रूप में कॉम्प्रोमाइज करना होगा। नंबर 5 पर जहां वह केवल दूसरी बार बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें तकनीकी और मानसिक स्थिति को काफी संभालना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे काफी शानदार ढंग से मैनेज किया। उन्होंने क्रीज पर कदम रखा लेकिन कभी भी गेंद को ओवरहिट करने की कोशिश नहीं की, जिसने उनकी टाइमिंग और प्लेसमेंट को बढ़ाया। मिचेल स्टार्क की गेंद पर राहुल ने जिस तरह बिना किसी एफर्ट के टाइमिंग का ध्यान रखते हुए छक्का मारा, वह वाकई शानदार था। विराट कोहली ने नंबर 3 पर परफेक्ट। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पहले एक दिवसीय मैच में बल्लेबाजी क्रम नंबर 3 पर केएल राहुल को भेजा था और खुद नंबर 4 की जिम्मेदारी संभाली थी, मगर एक्सपेरिमेंट के फ्लॉप होने के बाद राजकोट में विराट नंबर 3 पर बल्लेबाज करते हुए 76 गेंदों पर 78 रन की शानदार पारी खेली थी। कोहली के बल्लेबाजी क्रम के बारे में बात करते हुए वीवीएस ने कहा, विराट कोहली ने बिल्कुल सही तरीके से नंबर 3 पर बल्लेबाजी की। नंबर केवल उन्होंने तेजी से स्कोर बनाया बल्कि शिखर को अधिक से अधिक स्ट्राइक दी जब एगर गेंदबाजी कर रहे थे। इससे यह साफ पता चलता है कि विराट परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझते हैं, कभी कभी वो अकेले ही निकाल लेते हैं। आपका विराट कोहली के बारे में क्या सुझाव है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को।